जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। बजरंगी, बहुत दुखी हो? इतने परिश्रम के बाद भी जैसे परिणाम की आशा थी वो मिले नहीं। लोग नंबर खरीद रहे हैं, डिग्रियां खरीद रहे हैं और अपनी जिंदगी मजे से जी रहे हैं, और यहाँ मैं। हनुमान जी, ये अन्याय है। बजरंगी, ज्ञान से भरा कोई भंडार नहीं है, और बेईमानी के सहारे कुछ व्यक्ति क्षणिक सफलता का ढोंग कर सकते हैं, परंतु बजरंगी, ये सफलता अत्यधिक दिन तक टिकती नहीं है। विजय ज्ञान और धर्म की होती है। बजरंगी, इसी पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तो सुनो इस कथा को। सर, हम ठहरे बिजनेसमैन आदमी, और हमारा मानना है कि दुनिया में हर चीज बिजनेस ही है। दाम दो, खरीद लो। सर, लेन देन से ही तो दुनिया चलती है। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना? ये लीजिए सर, नजराना हमारी तरफ से। अब मिठाई उठाई समझ लीजिए। और रही पार्टी वार्टी की बात, ये बता दीजिएगा, कर लेंगे। सर देखिए, हमारे बाबूजी का एक सपना था कि उनका पोता जो है वो एक डॉक्टर बने, और अपने बाबूजी का सपना मैं जरूर पूरा करूं। शौक और इच्छा पूरी करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। अब हमारे कार्तिक को डॉक्टर बनना है, वो तो बन के ही रहेगा। अब ये आप देख लीजिए कैसे बनाना है, क्या करना है। खर्चे वर्चे की चिंता मत करिए बिल्कुल भी। खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट। हमारे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए इन्वेस्टमेंट, और आपको इन्वेस्ट करना है सिर्फ 20 लाख। और जैसे ही आपका वो क्या कह रहे थे आप, पार्टी, जैसे ही आपका पार्टी हो जाए, बस समझ लीजिए कि हो गया, चढ़ गया आपका बेटे का नाम इस लिस्ट में। और सर, 20 क्या, एक और हमारी तरफ से, 21 का हमारे यहां शगुन माना जाता है। क्लास तो फुल है, क्या करें, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं इस बैच में। हाँ, अतुल कुमार। सर, सर अब आपसे पूछने नहीं आएंगे तो फिर कहां जाएंगे? आओगे, जरूर आओगे, मगर फीस लेकर। मैनेजमेंट मुझे पैसे चैरिटी करने के लिए नहीं देता है। ठीक है सर, अगर आपके दरवाजे उन लोगों के लिए खुले हैं जो आपके ट्यूशन के पैसे दे सके, तो मैं नहीं आऊंगा। मेरी हैसियत नहीं आपकी क्लास लेने की, लेकिन मेरी हैसियत मेहनत करने की है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अतुल कुमार आपके मदद के बिना भी ग्रेड ला के दिखाएगा, और एडमिशन की मेरिट लिस्ट में भी आएगा। अतुल कुमार, लीजिए, हो गया आपके बेटे का एडमिशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा काम था, मैंने कर दिया, अब डॉक्टर तुझे बनना है। थैंक यू वंस अगेन। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पेपर्स तो बहुत अच्छे गए थे, वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं है। अतुल, अतुल शुभम का नाम है, और तू जैसे एग्रेड स्टूडेंट का नहीं। इवन कार्तिक का एडमिशन हो गया यार। वो दिन भर कैंटीन में बैठ के टैबलेट पे गेम खेलता रहता है, आज भी गेम खेल गया। यार मुझे बहुत डर लग रहा है यार। Yes! CR, I did it!
Yes, yaar. I did it. See my name. Congratulations, Kartik. आज की शाम मेरे एडमिशन की पार्टी के नाम तुम सब लोगों को आना है मेरे होटल में। ओए, मेरे स्कॉलर, तुझे भी आना है। नेवर माइंड यार, एडमिशन तो अगले साल भी हो जाएगा, पार्टी लेकिन आज ही है। अरे तू क्या उदास उदास से घूमता रहता है बे? देख मैं तुझे बताता हूं, ये जो लाइफ है ना, इसमें ऊंच नीच तो चलती रहती है यार, और ये जो स्मार्टनेस होती है, ये सिर्फ बुक्स घोट कर पीने से नहीं आती मेरे भाई, इसके लिए तो कुछ और ही चाहिए, जुगाड़बाजी, समझा? चल सीमा। अतुल, लाइफ में अच्छे लोगों के साथ ये बातें होती रहती है, और तुझे तो पता है अपना डीन कितना मीन है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि कार्तिक का एडमिशन हो गया। चल चल चले चल, तू जा, मैं आ जाऊंगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी टैक्सी ड्राइवरी करके, दो वक्त का भोजन कर लेता था तो डर हो जाता था मुझे कि कहीं जल्दी से फिर भूख न लग जाए। भगवान का बहुत बड़ा कृपा है, बहुत बड़ा कृपा है, बेटा हमको लायक दिए, बस एक बार डॉक्टर बन जाए पूरी जिंदगी की मेहनत सफल हो जाए। भगवान इसके इस बार की मेहनत को सफल कर दें, और तुम हनुमान जी से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना किया करो। मैंने और मेरे परिवार ने हनुमान जी हमेशा आपकी कृपा मांगी, हर संकट में आपने हमारी मदद की, तो इस बार कृपा क्यों नहीं मिली? इस बार मुझसे क्या गलती हो गई प्रभु? ये तो मेरे जीवन का, मेरे भविष्य का, मेरे परिवार का सबसे बड़ा मौका था, मैं क्या करूंगा, मैं उनका सामना कैसे करूंगा, मैं मम्मी पापा से क्या कहूंगा? उनके सपने टूट गए, मर गए उनके सपने, मैं हार गया, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। जय श्री राम। जय 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 हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राम। अरे उठो उठो उठो, अरे तुम ठीक तो हो? अरे क्या तुम देख के नहीं चल सकते? होश कहां तुम्हारा? खुद तो जाते ही दूसरों को भी तकलीफ में डाल जाते, क्या हुआ है? ये क्या छुपा रहे हो? दिखाओ मुझे, दिखाओ। बैड बॉयज, आत्महत्या करने का इरादा है। इतनी बुरी लग रही है जिंदगी? हाँ इतनी बुरी लग रही है, इतना बड़ा नुकसान हो गया कि उसे अनमोल जिंदगी देकर चुकाना चाहते हो? मेरे दोस्त समझदार हो, जवान हो, डरना एक अलग बात, लेकिन मैदान छोड़कर भागना अलग बात, दूसरी बाजी खेली जा सकती है। मेरी जिंदगी में नहीं, मेरी जिंदगी में सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मैं किसी काम का नहीं निकला, मैंने अपने पिता के सपनों को तोड़ दिया, मैं कैसे कहूं उनसे कि मैं उनकी टैक्सी नहीं छुड़ा सकता, मैं कैसे कहूं उनसे कि मैं उनका सहारा नहीं बन सकता, मैं कैसे कहूं कि मैं हार गया, मुझ में ताकत नहीं है कि मैं उनसे आंख में आंख डाल के बात कर सकूं, मुझ में ताकत नहीं थी कि मैं मेडिकल कॉलेज की सीट खरीद सकूं,
मेरी मेहनत में वो दम नहीं था, मैं किसी काम का नहीं। तो इसीलिए खुद को खत्म करने निकल पड़े। जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो फिर खत्म क्या करना चाहते हो? मुझे तो तुम्हारे पास बहुत कुछ नजर आ रहा है जिसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। ये दो भुजाएं 2-2 लाख मिलेंगे, ये दो टांगे 5-5 लाख, ये दो आंखें 7-7 लाख। किस चीज की कमी है तुम्हें? बेचो ना इन्हें। पागल हो गए हैं क्या आप? इन्हें भी कोई बेचता है? यानी ये अनमोल है, अनमोल। पहली बार देख रहा कि जिस आदमी के पास इतनी अनमोल चीजें हैं वो कहता है कि उसके पास कुछ नहीं। अरे जाओ, ले जाओ इसे यहां के बाजार में, मुंह मांगी कीमत मिलेगी तुम्हें। किसे मिलता है यहां मंचा? सब बिकता है, मेरे एडमिशन की सीट तक भी। तो गलती किसी ने की, पाप किसी ने किया, और उसे सजा दिलाने के बजाय तुम वो सजा खुद भुगतना चाहते हो। भगवान पर भरोसा रखने वाले का इतना कमजोर भरोसा? उम्मीद इंसान को भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। ये सब बेकार की बातें हैं, किस बात की आशा बची है? एक नई जिंदगी की, आने वाले कल की, एक नई खबर की। कोई नहीं जानता कि आने वाला कल कैसा होगा। चलो तुम मुझे अपना नंबर और एड्रेस दे दो, क्या पता हमारी मुलाकात फिर हो जाए। लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। क्या? तुम अपने जीवन का अंत नहीं करो, उसका सम्मान करो, लोगों की मदद में लगाओ, उसका अंत नहीं करोगे। वचन देते हो? जी। देखिए सर, बात बहुत सीधी है। मुझे अपने भाई को एडमिशन दिलवाना है और आपने देना। एडमिशन खुले हो या बंद हो ये आपको जानना है। आप तो मुझे बस सेवा बताइए। अरे गदाधर जी, मैं आपको सब कुछ बता तो चुका हूं। ये देखिए, ये लिस्ट भी बन चुकी है। लिस्ट बनने के बाद बहुत मुश्किल होता है, क्या है ना, बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस मिलाना पड़ता है। वो सब मैं देख लूंगा, मैं जानता हूं काम मुश्किल है, लेकिन आपकी बुद्धि का जो जौहर है वो युक्ति निकाल ही लेती है। आप बस सेवा बताइए। आप जब इतना जिद कर ही रहे हैं तो 30 लाख दे दीजिए। देखिए बुरा मत मानिए, 30 लाख की बात नहीं है, लेकिन गारंटी क्या है? मेरा मतलब कहीं ऐसा ना हो कि पैसे भी दे दूं और एडमिशन भी ना हो। अच्छा 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 अच्छा, गारंटी। लास्ट ईयर वो MLA सोलंकी, उनके बेटे को दिया। उसके बाद वो DGP माथुर, उनके बेटे को भी एडमिशन दिया। और यहाँ तक कि वो रहमान भाई झांसी वाले, उनके बेटे को भी मेडिकल कॉलेज में ऐसे ही लेना पड़ा, 2 दिन पहले की बात। क्या है वो? हाँ वो देवेंद्र सिल्क मिल्स, उनके बेटे को भी दिया है। आप चाहे तो कंफर्म कर सकते हैं। यानी 100% गारंटी है? चलिए ठीक है, फिर आपका नाम भी उस लिस्ट में जोड़ देते हैं जहां बाकी लोगों को भेजना है। मेरा मतलब है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। मैं कुछ समझा नहीं। इसमें समझने वाली क्या बात? मैं इनकम टैक्स ऑफिसर GD शर्मा। आपको ज्यादा मिलकर खुशी नहीं हुई हो, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपने अपने सारे गुनाह खुद कबूल कर लिया। आप गरीब और मासूम स्टूडेंट्स के करियर और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। मिस्टर युधिष्ठिर, आपको सजा जरूर मिलेगी। एक मिनट, अरे गदाधर जी, हम दोनों तो एक ही बिरादरी के हैं, आप भी शर्मा हैं, मैं भी शर्मा हूं, इन्हें हम दोनों के बीच एक अलग रिश्ता होना चाहिए। रख लीजिए इसे, रख लीजिए, कोई बात नहीं। कुछ लोग और चीजें टिकाऊ नहीं होती, और मैं तो बिल्कुल नहीं। आपने एक और जुर्म किया है, एक सरकारी ऑफिसर को रिश्वत देने का जुर्म। आपके खिलाफ सारे के सारे सबूत इसमें रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब आपके ऊपर
क्रिमिनल चार्जेस भी हैं और साथ साथ आपकी सारी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली जाएगी। आपको गिरफ्तार किया जाता है। लकीली डॉक्टर प्रदीप पास में ही मिल गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, वो मिल भी गए और आ भी गए। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। देखिए इनकी बोलने की शक्ति जा रही है, मैं इन्हें इंजेक्शन देता हूँ, तब तक आप एम्बुलेंस का इंतजाम करवाइए, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आप इन्हें पहले इंजेक्शन लगाई। अरे बेवकूफ, किस गधे को बुला लिया, इसे कुछ नहीं आता। इसको फर्जी डिग्री मैंने दिलवाई थी, नकली डॉक्टर ये, अरे मार डालेगा मुझे। देखिए मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, इन्हें थोड़ी देर में बिल्कुल पेन से आराम आ जाएगा, और आप देखिए कैसे धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। मोंटी के पापा, ये तो सिंक हो रहे हैं, उनकी तो हार्ट बीट भी लो हो रही है। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं एम्बुलेंस बुला के लाता हूँ। सर मोंटी के पापा, सर आप ठीक है ना? सर आर यू ओके? सर 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 ठीक है, एम्बुलेंस नहीं आ सकती, अवेलेबल नहीं है। घर में तीन गाड़ियां हैं, तीनों ड्राइवर छुट्टी पे हैं, और मुझे भी ड्राइव करना नहीं आता, अब क्या होगा? सर कैसे हैं? ये सब उस डॉक्टर प्रदीप के गलत इंजेक्शन की वजह से ज्यादा हुआ है। मैं तो स्ट्रोक आ गया, कुछ नहीं जानता हूँ। सर का स्टूडेंट था ना, इन्हीं को पता होगा कि उसे कुछ क्यों नहीं आता। जिस स्टूडेंट को आपने पैसे लेकर सीट दी, उस स्टूडेंट ने ना जाने कितनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया, ना जाने कितने लोगों को इस हालत में पहुंचाया जिसमें आप हैं। उन लोगों का श्राप लगा है आप। अजीब बात, आपको किसी से मिलवाना चाहता हूं। अतुल अंदर आ। ये अतुल है, इसको तो पहचानते ही होंगे। ये आज टैक्सी चलाकर अपने परिवार को पालता है, इसको आपने सीट नहीं दी। ये खबर सुनकर इसके पिताजी को लकवा मार गया, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, लेकिन उनका लकवा ठीक हो जाए, आपकी तकलीफें कम नहीं होंगी। कभी नहीं बोल पाएंगे, कभी अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाएंगे। जो बीज आपने बोया है उसका फल भी आपको ही खाना होगा। जितने भी पैसे कमाए हैं वो सारे के सारे टैक्स डिपार्टमेंट ले जाएगा, और उस पैसे का क्या फायदा जो आपको आपके पैरों पर खड़े होने की ताकत ना दे सके। इसकी अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अतुल को एडमिशन मिल चुका है। इंक्वायरी बिठाई गई थी,
दोबारा से पेपर्स चेक किए गए, एक नई एडमिशन की लिस्ट लगी जिसमें अतुल का एडमिशन हो गया है। और जितने भी स्टूडेंट्स को आपने एडमिशन दिया था वो सारे एडमिशन रद्द कर दिए गए, यही बताने के लिए अतुल आया। जय श्री राम। बजरंगी, अपने योग्यता पर विश्वास रखो और अपने ज्ञान को और भी गहरा बनाओ। तो बजरंगी बोलो मेरे साथ, प्रभु श्री राम का नाम लेके जय श्री राम। जय श्री राम। परिश्रम और शुद्धम से कर्म करने वाले का ईश्वर हमेशा साथ देता है, और दूसरों के स्थान, वस्तु, भाग्य को छीनने वाले को दंड अवश्य मिलता है।